दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ, विष्णु प्रकाश आईपीओ और बालाजी स्पेशलिटी केमिकल आईपीओ का करेंट जीएमपी क्या चल रहा है, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, और मार्केट में और भी दो तीन आईपीओ चल रहे हैं जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात की जाए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो आपका आईपीओ है मार्केट में 22 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त के दिन आता हुआ दिखेगा। दोस्तों इसका जो कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे बना के डाल रखा है, आप वहाँ चाहे तो जाके देख सकते हैं, जिससे मैंने प्रत्येक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से इसमें आपको क्लियर किया है और आपको बताया है। दोस्तों चलिए फटाफट अंदाज में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं। बात की जाए इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आईपीओ है 22 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त के दिन आपको क्लोजिंग होते हुए दिखेगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 24 अगस्त के दिन इसमें अप्लाई किया करें। बात की जाए अलॉटमेंट की तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अलॉटमेंट है आपको 29 अगस्त के दिन आता हुआ दिखेगा, और इसका जो रिफंड है आपको 30 अगस्त के दिन देखा जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपके अकाउंट में पैसे 30 अगस्त के दिन आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 31 अगस्त के दिन आपको शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और इसकी अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो आपको 1 सितंबर के दिन इसकी लिस्टिंग होती हुई आपको दिखेगी। बात की जाए इसके फेस वैल्यू की तो इसका जो आपका फेस वैल्यू 2 रुपये का है, और इसका जो प्राइस बैंड है 102 रुपये से 108 रुपये का है, और इसमें एक लॉट में 130 शेयर होने वाले हैं। बात की जाए आपका आईपीओ का साइज़ को तो आप देख सकते हैं कि 351 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू वो 162 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का होने वाला है, और इसकी जो लिस्टिंग है बीएससी और एनएससी दोनों पे होती हुई दिखेगी। दोस्तों अगर बात की जाए रिटेल कैटेगरीज तो आप देख सकते हैं कि एक लॉट लगाने के लिए मिनिमम आपको 130 शेयर होंगे, जिसमें आपको 14,040 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बात की जाए इसमें रिजर्वेशन की तो आप देख सकते हैं QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। बात की जाए प्रमोटर की होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 91% थी, जो आपका आईपीओ आने के बाद 67% के अराउंड इसके प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। बात करें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल की तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर हैं सर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, ईयर बाई ईयर बोली या क्वार्टर बाई क्वार्टर बोली, तभी ये अमेजिंग नंबर आपके सामने देखने को मिल रहा है। बात की जाए आपका कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है आपको 1397 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसका जो पी रेशियो है आपको 41 के आसपास है, और कंपनी का जो ROCE है 31.91 है, और ROE आपका 26.43 ग्राउंड देखने को मिल रहा है, और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपका 0.39 है, और आपका EPS 2.64 के अराउंड है। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने के पीछे तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो बोरिंग है अपने बोरिंग को ये पे करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं फुली और पार्शली, और बाकी कुछ पैसों का ये अपने आपका फंडिंग कैपिटल है उसमें आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का लाना चाहते हैं, और कुछ जनरल और आपका कॉरपोरेट पर्पज़ से भी इस आईपीओ को मार्केट में लेके आ रहे हैं ताकि उस पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आखिरी दिन का वेट किया करें, और आखिरी दिन ही आप इसमें अप्लाई करेंगे ताकि आप पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट दिन सेकेंड दिन आप इसे अवॉइड करें। तो चलिए दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की आईपीओ के जीएमपी की तो आप देख सकते हैं कि आपका एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ का जो करंट जीएमपी चल रहा है वो आपको 68 रुपीज़ चल रहा है, और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है वो आपको 108 रुपये का है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 176 रुपीज़ निकल के आता है। इन परसेंटेज अगर गेन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 63% की गेन आपको दिख रही है। दोस्तों इसके जीएमपी की बात की जाए तो इसके जीएमपी में आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिला है, जिसका जीएमपी पहले आपका 40 रुपीज़ 20 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 40-20 से बढ़ते बढ़ते 55-62 आपको देखने को मिला है। अभी जो आपका लेटेस्ट जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो आपको देख सकते हैं
68 रुपीज़ के राउंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें और भी आपको तेज़ी आने वाली है, सो आप इस वीडियो में बने रहें, चैनल पे बने रहें। जो भी इसके आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में उछाल या इसको आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट IPO पे नज़र डालते हैं। तो बात की जाए पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO का, तो देख सकते हैं कि इसकी जो आपकी बिडिंग का जो ओपनिंग है, IPO का ओपनिंग 18 अगस्त के दिन हो चुका है और आज 21 अगस्त के दिन इसका सेकंड बिडिंग है और कल 22 अगस्त के दिन इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि आप कल के दिन इसमें अप्लाई करने का सोचें, आज और कल का आप डाटा देख लें कल दोपहर 1 बजे का कि क्या मार्केट में इसका सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करने का सोचें। अगर आपने इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं जहां मैंने बना के डाल रखा है, जिसमें मैंने पूरी बारीकी के साथ इस एक एक चीज़ को आपके साथ प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में इसके इम्पोर्टेंट टाइम टेबल्स को देख लेते हैं ताकि आपके मन में रहे कि इसका कौन कौन सा डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात की जाए तो कल डेट में इसको आपका क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। अगर बात की जाए अलॉटमेंट का, तो आपको 25 अगस्त के दिन इसका अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। दोस्तों अगर रिफंड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 28 अगस्त के दिन आपको इस आपको रिफंड आता हुआ दिखेगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 29 अगस्त के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर लिस्टिंग की 20 अगस्त के दिन इसकी लिस्टिंग रखी गई है। बात की जाए इसका जो फेस वैल्यू है IPO का, आपको 10 रुपये का है और इसका जो आपका प्राइस बैंड है 151 रुपये से लेकर 166 रुपये है। और अगर एक लॉट में 90 शेयर हैं, बात की जाए आपका टोटल इशू साइज़ की, तो आप देख सकते हैं कि 153 करोड़ का ये आपका IPO है। बात की इसमें फ्रेश इशू आपका 91.30 और आपका फ्रेश इशू और आपका ऑफर फॉर सेल है 61.75 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बात की जाए इसको जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पे होती हुई दिखेगी। एक लॉट बात की जाए रिटेल के लिए, एक लॉट तो आप देख सकते हैं कि अगर रिटेल कैटेगरी से एक लॉट में आपको 90 शेयर होने वाले हैं जिसमें आपको 14,940 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बात की जाए अगर आपका रिजर्वेशन कोटा की, तो आप देख सकते हैं कि आपका एंकर इन्वेस्टर के लिए 18%, QIB के लिए 12%, HNI के लिए 20% और रिटेल के लिए 50% शेयर को रिजर्व रखा गया है। बात की जाए प्रमोटर की होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रमोटर का होल्डिंग IPO आने से पहले 100% था, जो आपको IPO आने के बाद 75% देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के इंपोर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर को, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का एसेट की बात करिए, रेवेन्यू बोलिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलिए, सभी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखते हुए मिल रहा है। और अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात कीजिए, वो भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा 76 करोड़ के अराउंड करेंट ईयर में रिजर्व एंड सरप्लस है। और टोटल बोरविंग की बात की जाए तो 55.34 करोड़ के अराउंड इसका आपका बोरविंग है। तो कंपनी आप बोल सकते हैं कि जब चाहे अपने डेट को पे करके एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। और अगर कंपनी का अगर टोटल अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट टोटल कैपिटल है आपको 611 करोड़ का है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि कंपनी का जितने भी डाटा आपको है सारा आपका शानदार डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका करंट GMP क्या चल रहा है, आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात की जाए पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO के GMP की, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो भी करंट GMP चल रहा है वो आपको 21 रुपये का चल रहा है और इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो आपको 166 रुपीज़ है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 187 रुपीज़ निकल के आता है। इन परसेंटेज अगर गेन की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 13% का गेन आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके GMP में भी आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसका जो आपका GMP है, आपको लोवेस्ट जो GMP था आपको 19 रुपये का था और जो आपका हाइएस्ट जो GMP था आपको 28 रुपये का था। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इसका करेंट GMP चल रहा है आपको 21 रुपये का चल रहा है, जो आपको 22 अगस्त के दिन रात को 11:30 बजे के अराउंड जो अपडेट हुआ है। तो दोस्तों अगर इसके GMP में और भी अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, अगर आपको इसके करंट GMP क्या चल रहा है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, आपको जो भी इसमें चेंजेस होगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट IPO को GMP पे नज़र डालते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको विष्णु प्रकाश IPO के बारे में कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू और इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में कम्प्लीटली विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो IPO है मार्केट में 24 अगस्त के दिन आता हुआ आपको दिखेगा और इसकी जो आपकी बिडिंग है आपको 28 अगस्त के दिन तक आपको क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। बात की जाए इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है आपका 1986 में ये आपका फॉर्म हुआ था।
बात करें, ये आपका जो कंपनी है ये आपको मेनली आपका या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और स्टेट गवर्नमेंट से और आपका ऑटोनोमस बॉडी हो गया या प्राइवेट बॉडी या आपका इनसे आपको क्या करता है कि कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करता है और मेनली आपका कंस्ट्रक्शन और आपका डिजाइनिंग में बेस्ट काम करता है। और बात की जाए इसकी जो प्रेजेंस है तो आपको 9 राज्यों में इसकी प्रेजेंस फैली हुई है और एक आपका इंडियन का आपका यूनियन टेरिटरी में भी ये काम करता है। मेनली जो ये काम करते हैं ये आपका 4 भागों में बटा हुआ है। बात की जाए उन चारों भागों की तो आप देख सकते हैं कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जिसको WSP बोल सकते हैं और आपका रेलवे प्रोजेक्ट, आपका रोड प्रोजेक्ट्स एंड इरीगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो आपका प्रेजेंस है 4 भागों में बटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपका नामों से ये आपका काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका राजस्थान में, इसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जयपुर में, ऐसे से कर करके आपका साउथ वेस्टर्न कमांड। तो मेनली जो आपको ये है आपको सेंट्रल बॉडी से और आपको स्टेट बॉडी से मिलकर ये काम करते हैं। तो इनका जो भी इनको आपको डिपार्टमेंट या आपको जो भी इनका काम मिलता है आपका समझ सकते हैं कि सरकारी काम ही मेनली इनको मिलता है। बात की जाए इनके इम्पोर्टेंट डेट्स की तो आप देख सकते हैं कि जो इनका इम्पोर्टेंट टाइम टेबल है, इसका जो IPO है 24 अगस्त के दिन ओपनिंग होने वाली है और 28 अगस्त के दिन इसकी क्लोजिंग होते हुए दिखेगी। बात की जाए अलॉटमेंट की तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका अलॉटमेंट है 31 अगस्त के दिन होता हुआ दिखेगा। अगर आपको ओवर सीजन के कारण आपको अगर अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपके अकाउंट में 1 सितंबर के दिन पैसे रिफंड होते हुए दिखेंगे। बात की जाए डीमैट अकाउंट में शेयर के ट्रांसफ़र की तो आप देख सकते हैं कि 4 सितंबर मंडे के दिन आपको डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात करें लिस्टिंग की तो आप देख सकते हैं कि इसके जो लिस्टिंग है 5 सितंबर को होने वाली है। बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो आपका IPO का जो फेस वैल्यू होने वाला है ये आपको 10 रुपये का फेस वैल्यू होने वाला है और इसका जो प्राइस रेंज है आपका प्राइस रेंज 94 रुपीज़ से 99 रुपीज़ के मध्य है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 99 रुपीज़ पे ही इसमें आपको बिड करें, उस पर कट ऑफ प्राइस पे टिक करें और 1 लॉट में जो आपको शेयर होने वाले हैं वो आपको 150 शेयर होने वाले हैं। बात की जाए इसका IPO के साइज़ की तो आप देख सकते हैं कि आपको अराउंड टू अराउंड 309 करोड़ का ये IPO होने वाला है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको 9 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको 1200 से 1500 के अराउंड आपको पहले ही डिस्काउंट दे रही है, जो आपके लिए अगर बहुत अच्छी बात है अगर आप इसके एम्प्लॉई हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो बात करें इसकी लिस्टिंग की तो आप देख सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पे होती हुई आपको दिखेगी। दोस्तों अगर बात करें मिनिमम 1 लॉट में अगर अप्लाई करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि 1 लॉट में 150 शेयर रहेंगे, जिसको आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 14,850 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दोस्तों अगर रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि QIB के लिए 50% और HNI के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि आपका IPO मार्केट में आने से पहले 90.45 के अराउंड आपको प्रमोटर की होल्डिंग है, जो आपको IPO लिस्टेड होने के बाद इसमें कुछ डाटा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोस्तों अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो कंपनी की आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी डाटा हैं आपको ईयरली बेसिस पे दिए हुए हैं और अगर इनमें अगर एसेट्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सारा जो आपका नंबर्स है सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर एसेट्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि मार्च 21 में 331 करोड़, मार्च 22 में 497 करोड़ और मार्च 23 में 825 करोड़ का कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। बात करें रेवेन्यू की तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में 487 करोड़, मार्च 22 787 करोड़, मार्च 23 1171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में अराउंड टू अराउंड 19 करोड़, मार्च 22 में 45 करोड़ के अराउंड और आपका मार्च 23 में अराउंड टू अराउंड 91 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को भी मिल रहा है। नेटवर्थ की बात की जाए ये भी आपका अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, 113 करोड़, 158 करोड़ और आपका 314 करोड़। बात की जाए रिजर्व एंड सरप्लस की तो आप देख सकते हैं कि इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी बहुत अच्छा ठीक ठाक है, जो आपको 85 करोड़, 130 करोड़ और आपका 220 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। बोरविंग की बात की जाए तो इसके ऊपर करेंट ईयर में जो बोरविंग चल रही है आपको 250 करोड़ की इनके ऊपर बोरविंग है।
तो देख सकते हैं कंपनी का जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा काफ़ी अच्छा है और कंपनी के हाथों में 220 करोड़ का आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी है। कंपनी जब चाहे इस आपका जो बोरिंग है उसको देके अराउंड टू अराउंड बोल सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी बन सकती है। बात की जाए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है आपका 1234 करोड़ का है और इसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, आपका 10.41 के अराउंड है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में आपको IPO क्यों लेके आना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह आपका फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और आपका कुछ आपका इक्विपमेंट खरीदना चाहती है, मशीनरी खरीदना चाहती है ताकि इनके जो आपका कंपनी का जो वैल्यूएशन बोलिए इसके और इसको बढ़ाया जा सके मार्केट में, यही चाहती है और इसका प्रेजेंस अच्छा हो, इनका काम और अच्छा हो। दूसरा बात आप देख सकते हैं कि जो आपका फंडिंग और आपका इसमें आपको फंडिंग करना चाहती है जो आपको वर्किंग कैपिटल में कंपनी के काम आए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज से भी यह आपका मार्केट में IPO लेके आ रही है। तो दोस्तों ये सब तो सारा डाटा इस कंपनी के रिगार्डिंग रहा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका सारा डाटा आपको देखने से आपको अच्छा रहता है, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा IPO है कैसा नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें आपका करेंट GMP क्या चल रहा है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप कोई भी काम करने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, पैसे आपके हैं, डिसीजन भी आपका है। तो चलिए इसके एक बार करंट GMP पे नज़र डालते हैं कि जब विष्णु प्रकाश IPO के GMP की, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो भी करंट GMP चल रहा है आपको 44 रुपीज़ चल रहा है और इस IPO का जो आपका अपर प्राइस बैंड है आपको 99 रुपीज़ है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 143 के अराउंड निकल के आता है। इन परसेंटेज अगर गेन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 45% की गेन आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात की जाए इस IPO का लोवेस्ट जो आपको GMP किया था आपको 40 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिला था और जो आपका अपर जो इसका अपर और बोल सकते हैं जो इसका हाईएस्ट जो आपको GMP किया था आपको 44 रुपीज़ का निकल के आया था और ये जो आपको GMP है आपको लेटेस्ट GMP है जो आपको 22 अगस्त के दिन रात को 11:30 बजे का जो GMP है। तो दोस्तों यदि इसके GMP में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट IPO के GMP पे नज़र डालते हैं। तो अगर बात की जाए बोन दादा इंजीनियरिंग IPO के GMP की, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट GMP चल रहा है आपका 43 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। अगर इस IPO का आपका अपर प्राइस बैंड की बात की जाए तो आपका 75 रुपीज़ है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 118 रुपये के अराउंड निकल के आता है। इन परसेंटेज अगर गेन की बात की जाए तो आपको 58% का गेन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो आपका कल के दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हुए तो मिला है वो आपको काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण इसके GMP में अराउंड टू अराउंड एक ही दिन में 20% का उछाल देखने को मिला है। जो इसका पहले GMP 25-27 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो आपको 27 रुपये से आपको जम करके 43 रुपीज़ निकल के आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका अगर आपने इसे अप्लाई किया है तो आपको तगड़ी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। आप मान के चल सकते हैं कि इसमें 65,000 से अराउंड 70,000-75,000 तक भी आपका प्रॉफिट जा सकता है। तो आपको अगर इसमें कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट IPO के GMP पे नज़र डालते हैं। दोस्तों बात की जाए सहज फैशन IPO के GMP की, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो आपका GMP चल रहा है आपको 4 रुपीज़ का GMP चल रहा है। अगर इसका अपर प्राइस बैंड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वो आपका 30 रुपये का है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको 34 रुपीज़ निकल गया था। इन परसेंटेज अगर गेन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपको अराउंड टू अराउंड 14% का गेन आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों पहले जो इसका आपको GMP चल रहा था आपको 2 रुपये 2.5 रुपये पे चल रहा था, जिसे जंप करते हुए आपको 4 रुपये देखने को मिला है। तो दोस्तों यदि इसके GMP में कोई चेंजेस आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से ऐसा कंटेंट लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।